तो अभी देखते हैं कि हमें कभी मिलेगा अंदर जाने। बेस्ट वाटरफॉल जो मैंने लाइफ में देखे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डे 5 ऑफ स्विट्जरलैंड और हम जाने वाले हैं आज दो जगह। पहले हम जाएंगे माउंट पिलाटस, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए और व्यू के लिए उसके। फिर सेकंड हम जाएंगे यहाँ के फैशन के लिए जो जगह फेमस है, वो है ज्यूरिख। तो आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी मैं फाइनली पहुँच गया माउंट पिलाटस। यहाँ पे हमने एक्चुअली प्री बुकिंग या रिजर्वेशन नहीं कराई थी, जो हमें एक्चुअली ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी इस बात की, तो अभी हमें ये लंबी क्यू में रहना पड़ेगा। एक ट्रेन में सिर्फ 45 एम्प्टी सीट्स होती है फॉर नॉन रिजर्वेशन। तो अभी देखते हैं कि हमें कभी मिलेगा अंदर जाने, तब तक हम पे वेट करेंगे। तब तक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। यहाँ पे 48% की हाइट, मतलब 48% की स्टीप स्लोप से हम नीचे आते हैं। ये स्टीपेस्ट रेल नेटवर्क ऐसा इनका बोलना है, तो हम लोग ये एक्सपीरियंस करना है। प्लस ऊपर से व्यू पूरे लूसन सिटी का है। सो लेट्स सी अभी ऊपर जाए कैसा होता है। तब तक मैं लाइन में खड़े रहता हूँ और आपको ऊपर से व्यू बताता हूँ। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि लाइन कितनी लंबी थी। वहाँ पे हम रुके थे 1 घंटा, उसके बाद हमें ट्रेन मिली जो थी हाफ एन आवर की। फिर वो हम स्टीप स्लोप से चढ़ के, जैसे आपने देखा, हम वहाँ पे आए। अभी मैं आ गया हूँ टॉप ऑफ माउंट पिलाटस में। यहाँ पे ठंडी से ज़्यादा मुझे काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है, बट मैं अभी आपको बताऊँगा यहाँ का व्यू। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ यहाँ की एक गुफा में, जो काफ़ी फेमस है। ये पहाड़ के बीच में से एक गुफा जाती है, तो अभी मैं आपको उसके अंदर से ले चलूँगा। ऊपर से व्यू तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी शानदार है। ये गुफा से भी सेम व्यू दिखता है, अगर आप देख पा रहे हो तो। और अभी मैं लेके जा रहा हूँ आपको गुफा के अंदर। सो गाइस, आज आपको मालूम है कि हमने आज दो जगह कवर करनी थी। सो फर्स्ट जगह थी माउंट पिलाटस, वो हुई थी कंप्लीट। वहाँ से हम आए लूसन, लूसन से हमने ज्यूरिख से ज्यूरिख की ट्रेन पकड़ी। वहाँ से 1 घंटा और ज्यूरिख के 1 घंटा और आगे हम आए हैं राइन वाटरफॉल्स। ये है बेस्ट वाटरफॉल्स जो मैंने लाइफ में देखे हैं। आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैसे है, आप हिल जाओगे देख के। सो गाइस, राइन वाटरफॉल्स भी जल्दी हो गया था ख़त्म, तो लूसन के पहले हम ज्यूरिख आए हैं। यहाँ पे थोड़ा हाफ एन आवर स्पेंड करेंगे और आपको मैं यहाँ के अराउंड दिखाऊंगा कि ज्यूरिख सिटी कैसी है। यहाँ पे मेरे पास बहुत कम टाइम है, अराउंड 1 आवर का ही टाइम है, बट मैं जितना घूम सकूँ आपको सारा बताऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 6 एंड द लास्ट डे ऑफ स्विट्जरलैंड। और अभी मैं हूँ इन द सिटी ऑफ बर्न। यस, अभी मैं अपने घर के बाहर वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका था, बट अभी मैं आ चुका हूँ बर्न सिटी में। और आज का दिन यहाँ पे ही रिलैक्सिंग डे है, यहाँ पे ही थोड़ा आराम से घूमेंगे और चिल करेंगे, आपका पूरा बर्न घुमाऊँगा। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग बर्न क्यों आए हैं। बेसिकली यूनेस्को ने बर्न ओल्ड सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिटी चीज़ें और काफ़ी सारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो हमें देखनी थी, तो इसलिए हम आए हैं। एक पूरी चीज़ है कि है ना, यहाँ पे हर जगह वीडियोग्राफी फोटोग्राफी काफ़ी जगहों पे प्रोहिबिटेड है। जितना भी मैं दिखा पाऊँगा आपको दिखाऊँगा, बर्न सिटी एटलीस्ट अंदर से दिखा दूँगा, बट आप थोड़ा टॉलरेट करना कि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ, वरना मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सारा कुछ दिखा पाऊँ। सो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ यहाँ के फर्स्ट मॉन्यूमेंट पर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लॉक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग ही है, बट बेसिकली यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लॉक है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो फर्स्ट मॉन्यूमेंट कैसा है। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचा ली है, काफ़ी प्रिटी मॉन्यूमेंट है, बट मैं आपको बताता हूँ वो कैसा है और कैसा दिखता है उसके आजू बाजू के स्ट्रीट्स। सो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे, एक फेमस चर्च है वहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जैसे मैंने मेंशन किया वो अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे बाहर आज संडे है इसलिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं यहाँ पे लोग। मैं आपको वो एक्टिविटीज़ और बाहर से एटलीस्ट ये साइड दिखा दूँगा, तो देखिए। तो मैंने एक और चीज़ नोटिस की है यहाँ पे, कि इनके रस्तों के बीच में ना हर 100-100 मीटर में एक फाउंटेन है। आपको बताता हूँ वो कैसे है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये रहा पहला फाउंटेन, यहाँ से आप आगे जाओगे
मेरा दूसरा फाउंटेन। सो गाइज अभी मैं आ गया हूँ बर्न के पार्लियामेंट बिल्डिंग में। बर्न इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। सो इनके पार्लियामेंट बिल्डिंग से जो व्यू है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैं अभी आपको दिखा दूँ यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। मज़ा आ गया यार ये व्यू देख के। सो मैं स्विट्जरलैंड का लास्ट डे हो गया ख़त्म। कल मैं निकल रहा हूँ पैरिस के लिए, जिसके लिए मुझे सुबह 4 बजे उठना है। तभी मैं जा रहा हूँ सोने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी नेक्स्ट मैं आपको मिलूँगा पैरिस में।